और एक बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई चल रही है कश्मीर के मुद्दे पर। और सवाल केंद्र सरकार से, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या वहां सब कुछ बंद है, जवाब दिया जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल सरकार का पक्ष रखते हुए कह रहे हैं कि वहां बहुत कुछ चीजें सामान्य है, अस्पताल एयरपोर्ट में लोगों को कोई असुविधा नहीं है। 10.5 लाख से ज्यादा लोग अस्पतालों में अब तक इलाज करवा चुके हैं, एयरपोर्ट भी पूरी तरह से एक्टिव है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। विक्रांत, किस तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं जिसका जवाब दिया जा रहा है, और क्या दिया जा रहा है सरकार की ओर से? देखिए, जो पिटीशन दाखिल की गई है अलग अलग, उन सबकी एक साथ सुनवाई हो रही है, क्योंकि सभी की लगभग एक जैसी मांगे थी, इसीलिए कोर्ट ने सबको क्लब करके एक साथ सुनवाई कर रही है। तो कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह आरोप लगाया गया था, याचिका में कहा गया था तरीके से वहाँ पर इंटरनेट डाउन है, लोगों पर तमाम तरह की पाबंदियां हैं और लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कोर्ट को बताया कि धीरे धीरे सब स्थितियां सामान्य हो रही हैं, और जहां तक बात है कि किसी तरह के बंद की और वो सब चीजें अब धीरे धीरे खोल दी गई हैं, इंटरनेट भी खुल रहा है कुछ जगह पर, लैंडलाइन पूरी तरीके से खुल गया है, इसके अलावा अखबार वहां पर लगातार छप रहे हैं, और किसी तरह की ऐसी रोक नहीं है जिसको ये कहा जाए कि सरकार ने वहां पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं। सुनवाई अभी भी जारी है, और क्योंकि जो याचिका करता है वो कई है इस मामले में, तो सबकी याचिका एक साथ सुनवाई की इसीलिए की जा रही है क्योंकि सब में लगभग एक जैसी सुनवाई, एक जैसे निवेदन, एक जैसे अनुरोध किए गए थे। इसके अलावा यूसुफ तारीगमी जो सीपीएम के नेता थे, उनके बारे में, उनकी याचिका के बारे में, उनकी भी याचिका थी, उसमें उन्होंने कहा था कि कई तरह की दिक्कतें वहां पर आ रही हैं और प्रतिबंध जो लगाए गए हैं उनके कारण समस्याएं हैं, तो उस पर भी सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया है कि जो कश्मीर की स्थिति अब धीरे धीरे हो रही है, 10 लाख से ज्यादा लोग अस्पताल का इलाज करवा चुके हैं, इसके अलावा दवाओं की किसी तरह की कोई कमी नहीं है, जो आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन ये भी एक सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट अगर खुद ये कहे कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही काम किए जाएं, जो भी काम किए जा रहे हैं, दरअसल ये किसे हिदायत है या किसे समझाने की कोशिश भी है, जो याचिका करता है उन्हें या सरकार को कोई हिदायत? देखिए, कोर्ट के ऑब्जर्वेशन सुनवाई के दौरान ये आई है, और निश्चित तौर पर अभी जब कोर्ट अपना विस्तृत ऑर्डर देगा, आदेश देगा, उसके बाद ये सब चीजें साफ होंगी। क्यों? लेकिन चूंकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि कई ऐसी चीजें हैं जिसमें जनता के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, उसके जवाब में सरकार ने साफ किया है कि केवल और केवल जो है वहां की कानून व्यवस्था और स्थिति को देखते हुए ही कुछ कदम उठाए गए थे, एहतियाती कदम उठाए गए थे, और फिलहाल इस तरह की कोई बात सरकार की तरफ से नहीं जा रही है। लेकिन विक्रांत, बेहद अहम यह भी है कि जब यही आरोप विपक्ष सदन में भी लगा रहा था कि फारूक अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया गया है, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, गृहमंत्री ने खुद कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है, खबरें ये गलत है, लेकिन अब अगर हिरासत की खबर आ रही है तो कब हिरासत में उन्हें लिया गया था, आखिर किस वजह से, और किन किन मुद्दों पर यहाँ सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है? देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है कि फारूक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया, और उन्हें हिरासत में ले जा करके कहीं और जेल या किसी ऐसी जगह पर नहीं रखा गया, बल्कि उनके घर को ही टेम्परेरी जेल की तरह कर दिया गया, और वो अपने घर में ही इस समय हिरासत में है, और इस कानून के तहत 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है, हालांकि बीच में उनकी स्थिति सामान्य जो भी स्थिति बनती है उसके हिसाब से छोड़ने पर भी सरकारें विचार कर सकती है, और ये पूरी तरीके से फैसला स्थानीय कानून प्रशासन जो है वो स्थानीय स्थितियों के आधार पर लेता है, और जो जानकारी मिल रही है कि इस एक्ट के तहत उन्हें हिरासत में इसीलिए रखा गया है क्योंकि प्रशासन को लगता है कि फिलहाल उनके बाहर रहने से स्थिति खराब हो सकती है, हालांकि उनसे मिलने आने पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है, और कब से उन्हें किया गया है, इन सब चीजों की अभी डिटेल आनी बाकी है, क्योंकि लंबे समय से बात चल रही थी, सरकार ये कह रही थी कि उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया है, और उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि वो लगातार हिरासत में ही अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं, तो अब ये साफ हो गया है कि फारूक अब्दुल्ला को इसमें हिरासत में उनके घर के अंदर ही रखा गया है। विक्रांत, लेकिन आर्टिकल 370 और कश्मीर के मुद्दे पर यह सुनवाई बेहद अहम सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, कुल मिलाकर कितनी इस तरह की याचिकाएं हैं, कितनी याचिकाओं पर अब तक सुनवाई शुरू हो चुकी है? देखिए, इस मामले में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसमें गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस के नेता हैं, यूसुफ तारीगमी जो सीपीएम के नेता थे, उनकी भी याचिका थी, इसके अलावा 2-3 और सामाजिक कार्यकर्ताओं की याचिका थी, और चूंकि याचिकाओं में सभी में लगभग एक जैसी मांगे की गई थी, तो इसीलिए कोर्ट ने सबको एक साथ सुनने का फैसला किया, और हालांकि अब सरकार को कुछ चीजों पर नोटिस भी जारी किया है, और सरकार को ये बताना पड़ेगा कि आखिर उसकी वस्तु स्थिति क्या है, क्योंकि जिस समय ये पूछा गया था कि क्या
फारूक अब्दुल्ला को हिरासत में लिया गया क्योंकि आरोप लगाया गया था, तो तब सोलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया था कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, वो इस मामले में जानकारी प्राप्त करके बताएंगे। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि फारूक अब्दुल्ला को डिटेन किया हुआ है, उनको उनके घर पर हिरासत में रखा गया है। तो ये सब चीजें जब अगली बार कोर्ट में एफिडेविट देकर के सरकार को दाखिल करना पड़ेगा तो उसमें सभी चीजों की विस्तृत जानकारी देनी होगी। बिल्कुल, शुक्रिया विक्रांत। जहां सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं पर सुनवाई हो रही, वहीं गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के हालात पर बड़ी बैठक कर रहे हैं। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया एजेंसियों के प्रमुख बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर ये चर्चा हो रही है, अमित शाह की एक अहम बैठक। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, अभी भी चल रही है बैठक? जी बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक ले रहे हैं और जो आला स्तर के अधिकारी हैं बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। कुल मिलाकर धारा 370 हटने के बाद से कश्मीर में जिस तरीके के जमीनी हालात हैं वहां पर उसकी रिपोर्ट मंगाई गई थी और उस पर चर्चा हो रही है। इससे पहले कल जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी आला अधिकारियों के साथ बैठक की थी और ठीक एक दिन बाद अब गृह मंत्री ये बैठक ले रहे हैं। अलग अलग तरीके के यहाँ पर जो इश्यूज हैं उन पर चर्चा हो रही है और आकलन किया जा रहा है आखिरकार जो रणनीति पिछले सवा महीने से अपनाई जा रही है वो कितनी कारगर है, उसमें और मजबूती कैसे लाई जाए। तो अमित शाह की ये बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है, बेहद अहम इन मायनों पर जब कश्मीर में हालात कैसे हैं उन पर गौर किया जाए और इन सब मुद्दों पर इस बैठक पर चर्चा हो रही है। शुक्रिया अमित। तो उत्तर प्रदेश में असम की तरह एनआरसी लागू किया जा सकता है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उत्तर प्रदेश में एनआरसी लागू किया जा सकता है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एनआरसी चरणों में लागू किया जा सकता है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी ऐलान किया कि राज्य में एनआरसी लागू किया जाएगा। सीएम खट्टर ने पंचकुला में पूर्व जज SH भला और पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा से मुलाकात करने के बाद यह बयान दिया, जिसका कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी समर्थन किया। NRC के ऊपर भी ये काम कर रहे हैं और शायद असम भी जाने की आपकी योजना है। हमने भी कहा है कि हरियाणा में हम NRC को लागू करेंगे और इसमें भी हम भला जी का सहयोग चाहेंगे कि उसमें किस प्रकार से लागू किया जाता, कैसे किया जा सकता है। वहीं सीएम खट्टर के एनआरसी पर दिए बयान का पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने समर्थन किया। मुद्दा बनाया जा रहा है चुनाव में, तो मुद्दा नहीं हो तो, क्योंकि विदेशी हैं ये तो सरकार को आइडेंटिफाई करना है, विदेशी रह नहीं सकते, तो 5 साल तक ये सरकार क्या करती रही। सर, देखा जा रहा है कि आज भी JP नड्डा जी की एक रैली है हरियाणा में, कहीं ना कहीं आपकी रैली को एक अलग दिशा में वहाँ पे विपक्ष भी पक्ष भी आज रैली कर रहे हैं, क्या कहना है? रैली करना सबका काम है, राजनीतिक दल सब रैलियाँ करते हैं, यहाँ पे अपनी बात कहेंगे, हम भी कह दिए, हम फिर कहेंगे, वो भी कहेंगे। लेकिन जो ये आप मुद्दे की बात कह रहे हो, ये तो कानून है, देश में विदेशी रह नहीं सकता, सरकार की जिम्मेवारी आइडेंटिफाई करना, अब तक क्यों नहीं करी, क्यों सोती रही 5 साल तक। सर, आज उत्तर प्रदेश सरकार भी ये कह रही है कि NRC लागू कर लेगी। नहीं नहीं, तो सबके कानून है ना, कानून ये है कि यहाँ विदेशी इलीगल तौर पे नहीं रह सकता, तो जिम्मेवारी सरकार की आइडेंटिफाई करें। तो साफ तौर पे कहना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो तय करे कि कौन विदेशी है और कौन देसी। कैमरा पर्सन चंददेव के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, News 18 नई दिल्ली। और अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जुल्म थम नहीं रहा है। सिंध प्रांत में एक स्कूल टीचर पर झूठा आरोप लगाकर उनकी पिटाई की गई। लोगों की भीड़ ने उनके परिवार वालों पर भी हमला बोला और उनके साथ मारपीट की। इस दौरान भीड़ ने मंदिर में भी तोड़फोड़ की। हिंदू परिवार का हमला करने वाले जो लोग हैं वो धार्मिक नेता पीर अब्दुल हक उर्फ मियां मिट्टू के समर्थक बताए जा रहे हैं, जिस पर सिंध में बड़े पैमाने पर हिंदू महिलाओं के जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप लगते रहे हैं। जिस वक्त पाकिस्तान के सिंध में हिंदू शिक्षक और उनके परिवार पर हमला हुआ वहां पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय सभी तमाशबीन बने रहे। तो पाकिस्तान का एक बार फिर से चेहरा जो है वो बेनकाब हुआ है। अल्पसंख्यक वहां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और एक ऐसी ही तस्वीर एक बार फिर पाकिस्तान से ही सामने आई है।
वहीं इस हमले में मियां मिट्टू के नाम से मशहूर पाकिस्तान के एक धार्मिक नेता पीर अब्दुल हक का हाथ सामने आया है। बताया जा रहा है कि मियां मिट्टू के इशारे पर ही उसके समर्थकों ने सिंध प्रांत के कोटकी इलाके में हिंदू टीचर की पिटाई की। मियां मिट्टू पर सिंध में बड़े पैमाने पर हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों में शामिल होने का आरोप लगता रहा है। पिछले दिनों सिंध प्रांत में एक सिख लड़की के जबरन धर्म परिवर्तन का मामला भी सुर्खियों में रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले दक्षिणी सिंध में ही 2018 में 1000 से ज्यादा लोगों के जबरन धर्म परिवर्तन के जो मामले हैं वो सामने आए थे। इसके बावजूद पाकिस्तान सरकार सिंध में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म रोकने में नाकाम साबित हुई है। पाकिस्तान में मियां मिट्टू के नाम से मशहूर धार्मिक नेता पीर अब्दुल हक अक्सर धर्म परिवर्तन को लेकर सुर्खियों में आता रहा है। खासतौर पर सिंध प्रांत में जब भी किसी हिंदू या सिख लड़की का धर्म परिवर्तन होता है तो उसके पीछे मियां मिट्टू और उसके जो साथी हैं कई बार देखा गया उन्हीं का हाथ सामने आता है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार की तरफ से आज तक मियां मिट्टू पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसका बड़ा कारण यह है कि मियां मिट्टू पाकिस्तान सरकार और खास तौर पर इमरान खान का करीबी भी माना जाता है। कई कार्यक्रम में मियां मिट्टू इमरान खान के साथ खड़ा दिखाई दिया। हालांकि हमेशा ही मियां मिट्टू हिंदू लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन से इनकार करता रहा है। उसका यह दावा है कि जो अलग अलग धर्म के लड़के या लड़कियां शादी करना चाहते हैं वो उनकी मदद करता है। लेकिन पाकिस्तान में किस तरह से जबरन शादी कराई जाती है ये सभी जानते हैं। मियां मिट्टू पहले पाकिस्तान की पीपीपी में था लेकिन बाद में उसे निकाल दिया गया। इसके बाद वो इमरान खान की पीटीआई में शामिल हो गया लेकिन टिकट नहीं मिलने से अब वो जबरन धर्म परिवर्तन कराकर सुर्खियां बटोरता है। पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को आईना दिखाया। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि पाकिस्तान में सिंधी समुदाय, सिख समुदाय, बलूच समुदाय और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के साथ क्या हो रहा है यह बात आज दुनिया से छिपी नहीं है। जो पाकिस्तान यूएन में मानवाधिकार के उल्लंघन की बात उठाता रहा है वो खुद अपने देश के अंदर झांक कर देखे। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने आखिरकार मान लिया कि वो भारत से पारंपरिक युद्ध नहीं जीत सकता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह भी मान लिया कि अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो वो परमाणु युद्ध तक पहुंचा तो पाकिस्तान का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। हालांकि इमरान खान ने यह भी जरूर कहा कि पाकिस्तान और उनकी सरकार आखिर तक लड़ेगी। एक इंटरव्यू में पीएम इमरान खान ने कहा कि अगर परमाणु युद्ध तक हालात पहुंचे तो दक्षिण एशिया के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है और इसका असर भारतीय उपमहाद्वीप से आगे भी जा सकता है। उधर अफगानिस्तान के कमांडो दस्ते ने पाकिस्तान के आतंकियों पर जबरदस्त हमला बोला। अफगान कमांडोज ने पाकिस्तान के 10 आतंकी मार गिराए। साथ ही पाकिस्तानी आतंकी कमांडर बिलाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अफगान कमांडोज ने ईस्टर्न नंगरहार प्रोविंस में लश्कर के ठिकाने पर छापा मारा था। अफगानिस्तान में लश्कर कैंप में छिपे बैठे आतंकी इस हमले में ढेर कर दिए गए। दरअसल पाकिस्तान ने पीओके से लश्कर और जैश के आतंकी अफगान सीमा पर भेजे थे। भारत की ओर से की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद डरे हुए पाकिस्तान ने अपने आतंकियों को अफगान सीमा पर भेजने का फैसला लिया था और इन आतंकियों को अफगान सीमा पर पाकिस्तानी आर्मी ट्रेनिंग दे रही थी। यूपी में असम की तरह एनआरसी लागू किया जा सकता है। कल उन्होंने कहा कि असम की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी एनआरसी लागू कर सकते हैं। पटना के होटल की लिफ्ट खराब हो जाने की वजह से 10 लोग 1 घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे। काफी देर प्रयास के बाद परिवार वालों ने खुद से रड